स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीबीटी 2023-24 में किसके खाते में पैसा आया है और किसके खाते में नहीं आया है, और अगर पैसा आया है तो कौन से खाते में आया है। अकाउंट अगर अनसीडेड हैं तो उनको सीड कैसे करेंगे, और आप कैसे चेक करेंगे कि अकाउंट सीड हो गया है। देखिए, सबसे पहले आपको प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप खोलना है। इसमें देखिए 6 ऑप्शन आ रहे होंगे, तो इसमें आपको सबसे पहले डीबीटी ऑप्शन में जाना है। डीबीटी ऑप्शन के बाद में अलॉटमेंट दिख रहा होगा। अगर आप ये चाहते हैं किसी का अलॉटमेंट रद्द करना है, तो आवर्तित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आगे जो क्लास हटाना चाहते हैं उस पर टिक करके उसको हटा देंगे। देखिए, आप नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे कुल नामांकित छात्र छात्राएं जैसे 47 दिख रहा है, अभिभावकों माता पिता का डेटा भरें और प्रमाणित करें। इसका मतलब यहाँ पे आपने बच्चे के और माता पिता का आधार को वेरीफाई नहीं कराया है, वो बच्चे यहाँ देखेंगे। प्रमाणित छात्र 44, इसका मतलब 44 बच्चों के आपने आधार प्रमाणित करा दिए हैं। अब देखिए, PFMS बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स, इसमें जो बच्चे दिख रहे हैं वो पेमेंट की साइकिल में गए हैं, और BO को भेजे गए प्रमाणित छात्र, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो बच्चे दिख रहे हैं, हो सकता है वो BSA के पास में हों या PFMS सर्वर पे हों, या फिर उनको अभी बैच में लगाया जा रहा हो, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो काम है वो यहाँ पे देखना है, PFMS बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो टाइप के खाते दिखेंगे यहाँ पे, सीडेड आधार बैंक खाता और अनसीडेड आधार बैंक खाता। सफल भुगतान, विफल भुगतान अभी अपडेट नहीं हुआ है, जब ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे भी आने लगेगा। तो सीडेड आधार बैंक खाता, तो सीडेड आधार बैंक खाता पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से आपको बच्चे दिखेंगे, इसका मतलब इनके खाते सीडेड हैं। अब आप पेमेंट्स कहाँ से देखेंगे कि इनको सीड तो हो गया अकाउंट, अब इनका पेमेंट कहाँ से देखेंगे कि पेमेंट आया है या नहीं आया है, और आया है तो कौन से खाते में आया है, माता के पिता के में या गार्जियन के में, और किस बैंक में आया। अब देखिए, यहाँ पे जाएंगे आप, पेमेंट स्टेटस बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2023-24, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लास वाइज आपको बच्चे दिखेंगे जिनके खाते में पैसा आ गया है। अब जैसे आपने क्लास वन पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए ये बच्चे का नाम आ रहा है, गार्जियन नेम या अकाउंट होल्डर, यहाँ पे देखिए पिता होगा, पिता के खाते में पैसा आया होगा तो पिता का नाम दिख रहा होगा, माता के खाते में तो माता का दिख रहा होगा, या किसी और गार्जियन के में तो उसका दिख रहा होगा नाम। आधार स्टेटस यस, पेमेंट स्टेटस पेमेंट सक्सेस, बैंक का नेम दिख रहा है और अकाउंट नंबर दिख रहा है, तो इस बैंक में और इस अकाउंट में पैसा आ गया है गार्जियन का। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपके इस गार्जियन के इस खाते में पैसा आ चुका है। अब देखिए, जो खाते अनसीडेड हैं उसमें क्या करेंगे, आप डीबीटी में जाएंगे, डीबीटी में जाने के बाद में वहीं पे आप पेमेंट भुगतान रिपोर्ट्स में जाएंगे। जब भुगतान रिपोर्ट्स में आप क्लिक करेंगे तो आप अनसीडेड आधार बैंक खाता देखेगा, जैसे ये 3 अनसीडेड हैं, तो जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि कौन से बच्चों के अनसीडेड हैं। लेकिन नॉट सीडेड में डेटा नॉट फाउंड, इसका मतलब टीचर ने मार्क कर दिया है, ये मार्क्ड बाई टीचर में होंगे ये बच्चे, तो यहाँ पे मार्क्ड बाई टीचर में क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये मार्क्ड बाई टीचर में तीनों बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्या आपने अभिभावक से बात करके खाता को चालू और आधार से लिंक करा लिया है, तो यहाँ पे जब आप टिक करके सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर जब तक आप टिक करके सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये नॉट सीडेड में पड़ा रहेगा। आपको टिक करके सबमिट तो करना ही है, तभी वो अगले साइकिल के लिए जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। अब देखिए, आपको कैसे खाते को सीड कराना है। ज़्यादातर गार्जियन जाते हैं, उनको ये समस्या आती है कि बैंक वालों ने बोल दिया है साहब कि खाता सीड हो गया है, या पहले से ही सीड है साहब, सब्सिडी आ रही है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसका क्या है कि आप भी कर सकते हैं, सिर्फ इसमें ये कंडीशन है कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो 2-3 दिन में हो जाता है। बहुत सारे जनसेवा केंद्र और आधार केंद्र हैं जहाँ पे
आधार से मोबाइल नंबर गार्जियन का लिंक कराया जा सकता है। इसके बाद में क्या करना है कि या तो पोस्ट ऑफिस में उनका खाता होगा या फिर आप पोस्ट ऑफिस में 100 रुपये में खाता खुल जाता है, किसी भी गांव में खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं बहुत सारे ग्राम पंचायत में। यहाँ पे आपको IPPB मोबाइल बैंकिंग ये ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस टाइप से स्क्रीन आएगी, तो इसमें आपको लॉग इन नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद में अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी। तो अकाउंट नंबर, कस्टमर का जो एक कार्ड मिलेगा उसमें ऊपर अकाउंट नंबर लिखा होता है और वहीं पे कस्टमर आईडी नीचे लिखी होती है, तो वो अकाउंट नंबर डालना है आपको और कस्टमर आईडी डालनी है, गार्जियन की डेट ऑफ बर्थ डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में रजिस्टर करना है। ये मोबाइल नंबर वो है जो पोस्ट ऑफिस में दिया है। इसके बाद में एम पिन कोई 4 डिजिट का आप बना लेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आने लगेगा सर्विसेज। जब आप लॉगिन कर लेंगे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो उनके आंसर दे दीजिए आप। उसके बाद में सर्विसेज पे आ जाएंगे आप। सर्विसेज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आधार सीडिंग। जब आप आधार सीडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एग्री टू रिसीव DBT इन IPPB अकाउंट एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग विद NPCI। इस पे आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, इस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। इसके बाद में आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा और वो नंबर उसी फ़ोन में पड़ा होना चाहिए। अगर गार्जियन के पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो उसका सिम निकाल के आप अपने फ़ोन में डाल सकते हैं। यहाँ पे आप आधार OTP डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद में देखिए इस टाइप से मैसेज आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग टू अकाउंट नंबर हैज बीन इनिशिएटेड, यू विल रिसीव द फाइनल स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट विद इन 2 to 3 days। इस टाइप से आ जाएगा। इसके बाद में देखिए जब ये सीड हो जाएगा तो यहाँ पे जब आप दोबारा से लॉग इन करेंगे और आधार सीडिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस दिखने लगेगा, सीडिंग स्टेटस सक्सेस, सीडिंग डेट 31 जुलाई 2023। इसका देखिए दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए आप दोबारा से फ़ोन नहीं मंगा पा रहे हैं या फ़ोन नहीं है, आपको सिम चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, UIDAI के सर्वर पर जाएंगे, आधार अकाउंट लिंक स्टेटस या तो ये सर्च कर लेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा आपको, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इस लिंक पे जा सकते हैं UIDAI के पे। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा डालेंगे और सेंड OTP करेंगे। जब सेंड OTP करेंगे तो OTP आपका आ जाएगा और उससे लॉग इन करेंगे। चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर से डाला। अब देखिए नीचे मोबाइल नंबर से OTP डाल दिया, एंटर OTP और इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद में देखिए ये आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। आधार नंबर ये है, एक्टिव है, बैंक सीडिंग डेट ये है। आपको पहले भी मैंने 31 जुलाई दिखाई थी वहाँ पे IPPB के ऐप में। और ये आपका इस टाइप से जब भी पेमेंट की साइकिल आएगी तब पेमेंट आ जाएगा। इस टाइप से आप पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को 5 मिनट में सीड करा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और बैंक में अननेसेसरीली जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, गार्जियन भी परेशान नहीं होंगे, आप भी परेशान नहीं होंगे, आसानी से पैसा आ जाएगा। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं स्टेटस, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और आधार को अकाउंट से सीड करा सकते हैं। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।